आज साल 2023 का आखिरी दिन है, कल यानी 1 जनवरी से नए साल का आगमन हो जाएगा। दरअसल साल और कैलेंडर बदलने के साथ देश में ऐसा बहुत कुछ बदलने वाला है जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं नए साल में क्या क्या बदलने जा रहा है और आज हमें किन कामों को निपटा लेना चाहिए। UPI में बदलाव। 1 जनवरी की तारीख UPI पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी UPI ID को बंद करने का फैसला लिया है जिसका इस्तेमाल पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा समय से नहीं हो पा रहा। LPG सिलेंडर का रेट होगा जारी। हर महीने की तरह LPG के रेट में अमूमन हर महीने 1 तारीख को बदलाव होता है। नए साल के मौके पर आम आदमी को राहत मिलेगा या महंगाई का झटका लगेगा, यह कल पता चलेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। आधार कार्ड को लेकर नियम। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन आधार अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर आप इस तारीख तक आधार में अपडेट नहीं करवा पाते हैं तो 1 जनवरी 2024 से आपको दस्तावेज में किसी तरह के बदलाव के लिए शुल्क देना होगा। सिम कार्ड से जुड़े नियम। नए साल से सिम कार्ड खरीदने और रखने के नियम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल सिम कार्ड खरीदने के वक्त ग्राहकों को KYC करवाना होगा, उसी वक्त ही पेपर आधारित KYC प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही आपको बायोमेट्रिक के जरिए अपनी डिटेल्स की पुष्टि करानी होगी। डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको और सतर्क रहने की जरूरत है। सेबी यानी सिक्योरिटीज रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनेशन जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की है। ऐसे में जो भी अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे उनका डीमैट अकाउंट 1 जनवरी 2024 से फ्रीज हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट डिजिटल।